एक्स माइनस वाई इक्वल टू जीरो, ये लाइन ड्रॉ करना है, ठीक है ना, ये लाइन ड्रॉ करना है। तो लाइन ड्रॉ करने का सबसे आसान मेथड क्या होता है, मान लो मेरे पास एक ग्राफ पेपर दे रखा है, ठीक है ना, ये हमको ग्राफ पेपर दे रखा है, कोई दिक्कत, ये हमारा ग्राफ पेपर है, मुझे लाइन ड्रॉ करना है, मुझे लाइन ड्रॉ करना है, आ जाइए। तो लाइन कैसे ड्रॉ किया जाएगा, बहुत आसान है। अगर मुझे इस लाइन को उस एक्सेस पेपर में ड्रॉ करना है, तो एक बार मैं लाइन में x इक्वल टू जीरो डालूंगा, एक बार लाइन में मैं x इक्वल टू जीरो डालूंगा, और एक बार लाइन में मैं y इक्वल टू जीरो डालूंगा, ठीक है। तो x इक्वल टू जीरो डालिए इसमें, तो जीरो माइनस वाई इक्वल टू जीरो, तो यहां से y की वैल्यू भी जीरो आ गई, तो लाइन हमारी जीरो कॉमा ई आ गया, ठीक है, एक पॉइंट मिल गया ना, जीरो कॉमा जीरो, यस और नो देन, y इक्वल टू जीरो। अब इस लाइन में y इक्वल टू जीरो डाल दो, तो y इक्वल टू जीरो डालो, तो x माइनस जीरो इक्वल टू जीरो, दैट इज y इक्वल टू जीरो आ गया, सॉरी x इक्वल टू जीरो आ गया, तो यहां से हमको कॉप पॉइंट मिल गया, फिर से ओरिजिन मिल गया, जीरो कॉमा जीरो, मतलब ये वाली जो लाइन है ना x माइनस वाई, ये हमारी ओरिजिन से पास होगी कुछ ऐसे, कुछ ऐसे, आपके मन में सवाल जरूर आया होगा, उस सवाल का जवाब देना मेरा फर्ज है कि ऐसे ही क्यों पास हो रही है ये लाइन, ऐसे क्यों पास नहीं हो सकती, ठीक है, x माइनस वाई इक्वल जीरो लाइन यही क्यों हो सकती है, ये वाली ब्लू वाली क्यों नहीं हो सकती, है ना, ये ब्लू है, ये ब्लू कलर से बना हुआ इसलिए बोल रहे हैं, ये ब्लू वाली क्यों नहीं हो सकती, रेड वाली ही क्यों हो सकती है। चलिए तो देखते हैं, आ जाओ जरा, आप हर कोई जानता है ये हमारी फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये हमारा सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। अगर उसको ध्यान से देखोगे तो इस लाइन को अगर मैं ऐसे लिखूं, x माइनस वाई इक्वल टू जीरो दे रखा है, x इक्वल टू वाई हो रहा है, यस और नो, मतलब ये जो लाइन है रेड वाली या फिर ब्लू वाली, उसमें x और y की वैल्यू सेम होगी, रेड वाली और ब्लू वाली जो है हमारी रेड वाली लाइन है, उसमें y इज इक्वल टू x होगा। अगर ध्यान से देखोगे तो x इक्वल टू y होगा, मतलब ये लाइन क्यों होगी, क्योंकि देखो ना यहाँ पे अगर आप माइनस तीन रखोगे तभी जाके आपको माइनस तीन इसी कोऑर्डिनेट में मिल जाएगा, माइनस तीन और तीन इसी में मिलेगा। सिमिलरली अगर मान लो आपने x इक्वल टू फोर रखा तभी जाके आपको y इक्वल टू फोर मिलेगा, लेकिन इस लाइन में यहाँ पे क्या होता है, आपका x पॉजिटिव होता है और y नेगेटिव होता है, राइट, यस और नो, और यहाँ पे आपका x नेगेटिव होता है और y पॉजिटिव होता है, यस और नो। दूसरा रीजन है कि इस लाइन को अगर ध्यान से देखोगे तो इस लाइन का जो स्लोप है वो क्या है, आपका पॉजिटिव है, इस लाइन का जो स्लोप है वो क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है, इस लाइन को अगर ध्यान से देखो तो इसका स्लोप क्या है, पॉजिटिव है, कोई दिक्कत, ये जो लाइन है अगर ध्यान, रेड वाली लाइन जो है वो एंगल थीटा बना रही है, स्ट्रेट लाइन में हमने पढ़ा है, अगर ये लाइन एंगल थीटा बना रही है विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, उसका टेन थीटा, उसका टेन थीटा ही स्लोप कहलाता है, तो एम इक्वल टू टेन थीटा, और बाय ट्रिग्नोमेट्री बोल सकते हैं कि ये एंगल 90 से छोटा है, और अगर टेन 90 से छोटा होता है तो पॉजिटिव आता है, तो ये रेड वाली लाइन का जो है स्लोप पॉजिटिव आ रहा है, इसलिए ऐसी बनी हुई, ठीक है, तो ये ब्लू वाली लाइन हमारी नहीं होगी, ठीक है, तो वाई इक्वल टू लाइन ये हो जाएगी, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो, आ जाइए नेक्स्ट। आ जाइए नेक्स्ट देखिए, आपको ड्रॉ करना है x इक्वल टू पांच, ठीक है, y इक्वल टू सिक्स, और x इक्वल टू माइनस फाइव, y इक्वल टू माइनस टेन, ये सब आपको ड्रॉ करना है। चलिए ड्रॉ करते हैं, ये मान लो हमारा छोटा सा ग्राफ है, x इक्वल टू फाइव जो हो जाएगा हमारा कुछ ऐसे आ जाएगा, यहाँ पे ये जो पॉइंट होगा वो हमारा 5 कॉमा जीरो हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और ये हमारी लाइन x इक्वल टू पांच हो जाएगी, ठीक है, x इक्वल टू पांच। अगर y की बात करें तो ये लाइन हमारी कुछ ऐसे हो जाएगी, y इक्वल टू सिक्स, तो ऊपर पॉजिटिव मिलता है, तो ये हमारी लाइन y इक्वल टू सिक्स हो जाएगी, ठीक है। और देखें x इक्वल टू माइनस फाइव, तो x इक्वल टू माइनस फाइव, यहाँ पे माइनस फाइव मिलेगा, तो ये हमारी लाइन कुछ ऐसे हो जाएगी, x इक्वल टू माइनस फाइव, ये हमारा फाइव माइनस फाइव वाला पॉइंट हो जाएगा। इसको अगर देखें तो ये हमारा माइनस टेन है, मतलब ये हमारी लाइन जो है ऐसे नीचे मिल जाएगी यहाँ पे, ठीक है। चलिए तो हमने बेसिक बेसिक ड्रॉ किया है, नोट डाउन करिए इसको।
जल्दी कर लो और ड्रॉ करते हैं, एक दो बेसिक बेसिक और लाइन ड्रॉ करेंगे। आ जाइए, अब देखिए नेक्स्ट, 3x प्लस 4y इक्वल टू 12, इस लाइन को ड्रॉ करना है। तो मैंने अभी आपको मेथड बताया क्या करना है, एक बार इसमें x इक्वल टू 0 डालना है, एक बार y इक्वल टू 0 डालना है। चलिए x इक्वल टू 0 डालते हैं इसमें, x इक्वल टू 0, तो 3 इंटू 0 प्लस 4 इंटू y इक्वल टू 12, कोई दिक्कत? तो यहां से ये तो 0 हो गया, तो 4y इक्वल टू 12 आ गया आपको, तो y की वैल्यू कितनी आ गई आपको, 12 बाय 4, दैट इज y इक्वल टू आ गया 4 1 जा 4 3 जा, तो y की वैल्यू 3 आ गई। x कितना था, 0 था, y कितना आ गया, 3 आ गया, कोई दिक्कत? चलिए यहाँ पे देखते हैं, y इक्वल टू 0 डालिए यहाँ पे, y इक्वल टू 0, यहाँ पे y इक्वल टू 0 डालिए, 3x प्लस 4 y इंटू इक्वल टू 12, ठीक है? आगे देखिए, 3x इज इक्वल टू 12, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 बाय 4, x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 3 आ गई, 4 y इक्वल टू 0 डाल देना, 3 यहाँ पे 3 आएगा, 3 आएगा, तो ये हमारा 4 आ गया, दैट इज 4 कॉमा y की वैल्यू क्या हमने 0 लिखी, तो 0, राइट। लाइन ड्रॉ करने के लिए केवल दो पॉइंट की रिक्वायरमेंट होती है, तो एक पॉइंट ये मिला और एक पॉइंट ये मिल गया। चल ड्रॉ कर दो लाइन जल्दी से, बताइए जरा 0, 3 कहाँ पे आएगा, 0, 3 पॉइंट कहाँ पे आएगा, यहाँ पे हमारा क्या है, x 0 और y की वैल्यू 3 है, तो x 0 होता है यहाँ पे और y पॉजिटिव भी हमारा यहीं पे होता है। सिमिलरली यहाँ पे देखिए 4, 0, x 4 और y 0, x 4 और y 0, तो यहाँ पे आ जाइए, x 4 और y 0 यहाँ पे आ जाएगा, तो हमारी जो लाइन है, ये वाली जो हमारी लाइन है, ये कुछ ऐसे ड्रॉ हो जाएगी। देखिए जरा ऐसे कुछ ड्रॉ हो जाएगा, ठीक है? आप जब ग्राफ पेपर लेंगे, स्केल पेन पेंसिल लेकर बहुत बेस्ट तरीके से ड्रॉ करेंगे, ठीक है ना? ये तो जस्ट आप देख सकते हैं, मेरे पास तो बोर्ड है, तो मैं ऐसे ड्रॉ कर रहा हूं। चलिए और ड्रॉ करते हैं लाइन, है ना, आ जाइए और लाइन ड्रॉ किया जाए। चले नेट की आज जो मनोदशा है वो सही नहीं चल रही है, आ जाइए देखिए जरा, 11x - 7y = 77। चलिए इस लाइन को ड्रॉ करना है, क्या बताया मैंने ड्रॉ करने के लिए क्या रूल है, कुछ नहीं, एक बार x इक्वल टू 0 डालना है लाइन में, एक बार y इक्वल टू 0 डालना है, रूल तो यही है, देखिए रूल एक ही है, x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0। चलिए x इक्वल टू 0 डालिए, तो 11 × 0 - 7y = 77, ठीक है? यहां से कितना आ गया, -7y = 77, माइनस को इधर भेज दीजिए 7 के साथ में, तो 77 बाय -7, 7 1 जा 7 11 जा, तो y की वैल्यू तो -11 आ गई, तो पॉइंट क्या आ गया हमारा, 0, -11, -11, ठीक है? नेक्स्ट क्या है हमारा, y = 0, कोई दिक्कत? आ जाइए, अब एक बार y इक्वल टू 0 डाला जाए इसमें, तो 11 × x - 7 × 0, राइट, 7 × 0 = 77, तो यहां से आ गया हमारा 11x = 77, राइट? तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारी, x की वैल्यू आ गई 77 बाय 11, x आ गया हमारा 11 1 जा 11 7 जा, कितना आ गया हमारा x 7 आ गया, तो पॉइंट क्या मिला, y 0 है और x क्या है हमारा 7 है, 7, 0। चलिए आ जाइए, तो ड्रॉ किया जाए जरा, तो 0, -11, तो 0 x 0 कहां होगा, x 0 होगा हमारा y एक्सिस में, और y माइनस कहां होगा, नीचे होगा, तो ये हमारा आ गया
जीरो कॉमा माइनस इलेवन, कोई दिक्कत? अब यहां पे देखिए एक्स पॉजिटिव है, सेवन है, कहीं मान लो यहां पे मिल जाएगा, ठीक है ना, दैट इज सेवन कॉमा जीरो। अब इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दो ऐसे, ठीक है, थोड़ा सा टेढ़ा बेढ़ा हो रहा है लेकिन ठीक है, ट्राई करते एक बार सीधा बनाने को। चलिए तो हमारी लाइन क्या है भाई, 11x माइनस 7y, 11x माइनस 7y इज इक्वल टू 77। नाउ दिस इज माय इक्वेशन जो हमने ड्रॉ कर दिया, ठीक है, इसको नोट डाउन करिए।